सुना ये सुना पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, में आप सभी का मेरे प्रिय भाई और बहनों, में आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जारी रखिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। हजारों भाई बहन इस सत्संग के दौरान बहुत सारी आशीषें प्राप्त करते हैं, प्रभु उनके जीवन में तरक्की लाते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाओं से उनको छुटकारा देते हैं। और मेरा विश्वास है कि आज का सत्संग भी आपके लिए कृपा का समय होगा। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और आज मैं उसी के विषय में बोलने जा रहा हूं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। जब हम अपना मुंह खोलते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु के लिए हम अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं, और प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है, रिसने लगती है। आइए हम लोग ध्यानपूर्वक इस समय स्तुति में भाग लेंगे। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तालियां बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और लीन हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको अपने अधिकार में ले। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, गाइए यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे, दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे, जीवन दाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम
यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे गाइए, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से बजो रे, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, सब मिलकर यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, ऊंचे स्वर में यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, महिमा महिमा महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली प्रभु इस समय आपके पास है, आपके करीब है, पवित्र आत्मा चारों ओर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन पर अधिकार ले रहा है, आपकी परिस्थितियां आपको दुख देने वाली हैं, आप में चिंता उत्पन्न करने वाली है, आपको निराश करने वाली है, उन सारी परिस्थितियों को इस समय इस प्रार्थना में प्रभु के सामने लाइए। मैं जानता हूं कि आप अक्सर अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ और कोई नहीं है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस अर्धांग रोगी के बारे में पढ़ते हैं जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु उसके पास आए और उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है जो मुझे पानी तक ले चले। हम में से कई लोगों की यही स्थिति हो सकती है, हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि कोई है नहीं हमारे साथ। यीशु इस समय आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों में आना चाहते हैं। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए और अपने सारे हृदय से प्रभु पुकारिए और कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको त्यागा नहीं, वो अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। स्तोत्रकार कहता है कि मेरे मां बाप मुझे त्याग सकते हैं लेकिन प्रभु मुझे नहीं त्यागेगा। इस समय प्रभु के प्रेम का एहसास कीजिए और अपने हृदय और मन के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू इनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए यीशु, आइए उनके जीवन में आइए, उनकी परिस्थितियों में आ जाइए यीशु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा इस समय हमें अपने अधिकार में कर ले, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे मन और हृदय को समय अपने उत्साह से भर दे। आंखें बंद करके अपने दोनों हथेलियों को खुला रखकर आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। एक गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आंखें बंद रखकर इस गीत को गाते जाइए, दोहराते जाइए। मेरा राहों पे मुझको तू
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जीने का हक दिया, अधिकार दिया। जीवन प्रभु की ओर से एक महान वरदान है, हम इसके लिए बराबर प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए और आप जैसे बहुत से भाई बहनों के लिए जो इस समय इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके सारे कार्यों के लिए जो इन कार्यक्रमों के जरिए आपके जीवन में प्रकट करते हैं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हम सभी लोग पहली बार ये जिंदगी जी रहे हैं, कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ बीते कल और आज के कल के अधिकारी हैं, कल के नहीं। लेकिन प्रभु जानते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए जब हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इसके द्वारा प्रभु हमसे बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें कैसी दिशा को अपनानी है, हमें कैसी दिशा को अपनाना है और कैसे रहना है, कैसे जीना है। हृदय से, मन से प्रभु के वचन को सुना कीजिए। इसाया नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी मेरे मुंह से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है, वो अपना उद्देश्य पूरा करती है। जब पवित्र वचन सुनाया जाता है, आप गंभीरता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसको सुनते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में वही पूरा करेगा जिसके लिए वो भेजा गया है। और यही हमारे जीवन में होने वाले चमत्कार है। विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक पवित्र वचनों को सुनते हैं तो वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, वही जो बार बार बोला जाता है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाओं में, विशेष करके स्तुति की प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है, स्तुति की प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। आपने सुना है कि बार बार हम हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। और इस हालेलुया में बहुत बड़ी शक्ति है, परमेश्वर की स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हमें स्तुति की प्रार्थना की शक्ति के बारे में एक सुंदर मिसाल पढ़ने को मिलता है। पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे। पहले पहले लोग उन पर विश्वास किए, लेकिन कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और लोगों ने पौलुस और सीलुस को बहुत बुरी तरह से घायल किया। इतना ही नहीं, पौलुस और सीलुस को बंदीगृह में डलवा दिया, उनके पैरों को खाट से जकड़ा गया। ऐसी अवस्था में वे पड़े हुए थे, जरा उस उनकी अवस्था का ख्याल कीजिए, घायल, बुरी तरह से घायल। इतना ही नहीं, हाथ पैर में जंजीरें और पैरों को खाट के से जकड़ा हुआ। ऐसी अवस्था में वचन में लिखा हुआ है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। कैसी प्रार्थना कर रहे थे? ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। इतनी ऊंची आवाज में स्तुति गा रहे थे कि सारे लोग सुन रहे थे। वचन में लिखा हुआ आगे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। जब पौलुस और सीलस
प्रभु की स्तुति का गीत गा रहे थे, उस समय क्या हुआ? भूकंप हुआ, बंदी ग्रह की नींव हिल गई, सबने महसूस किया, सारे द्वार खुल गए और बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। और यही वास्तव में होता है, आगे मैं इसको समझाऊंगा। जब हम प्रभु की स्तुति में लीन हो जाते हैं, भारी भूकंप होता है, जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं। संत पौलुस तसलोनिकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक में कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। एक बहुत जबरदस्त वचन है। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा यह है, क्या है? कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। क्या एक माली नहीं चाहेगा कि उसके बाग के कलियां खिल जाएं, फूल दिखाई दें? ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। कैसे प्रसन्न रहेंगे? निरंतर प्रार्थना करने से, यानी बराबर प्रार्थना करने से। किस प्रकार की प्रार्थना? सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना। हर समय बराबर ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना बोलते जाएं, तो पौलुस कहते हैं तो आप हर समय प्रसन्न रहेंगे। यानी धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा हमें प्रसन्नता मिलती है। बार बार लोग हम मुझसे मिलने आते हैं और उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं। अभी आधा घंटा पहले कुछ लोग आए थे काफी दूर से, उतरे चेहरे। मैंने उनसे कहा कि जरा मुस्कुराओ, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूं। और मैंने कहा बेटा स्तुति करना सीखो, अपनी परिस्थितियों को प्रभु को समर्पित करो और स्तुति करना सीखो और तुम देखोगे क्या होता है। आपने बार बार सुना है स्तोत्र 50 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। यानी प्रभु स्वयं कहते हैं कि धन्यवाद का बलिदान, यानी धन्यवाद एक प्रकार का बलिदान है, धन्यवाद एक प्रकार का बलिदान है, और जो इसका बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हम लोग भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं जब कुछ मिल जाता है। हमारे मंच पर भी लोग आके साक्ष्य सुनाते हैं कि हमने प्रार्थना की इसके लिए वो मिल गया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब सब कुछ सही सलामत है उस समय धन्यवाद देना आसान है। सुख में धन्यवाद देना बहुत आसान है, लेकिन दुख में धन्यवाद देना बहुत कठिन है। अब पौलुस और सीलस की बात उठाइए, वे दुख में थे। सुसमाचार का प्रचार या घोषणा करने के कारण वे घायल किए गए थे, बंदी बना लिए गए थे, बंदी गृह में डाले गए थे, वे दुख में थे। लेकिन उस दुख में भी पौलुस और सीलस प्रभु की स्तुति का गीत गाते हैं। यही जादू है, दुख और पीड़ा में भी वे स्तुति का गीत गाते हैं। नतीजा यह है कि चमत्कार होता है, भूकंप होता है, जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं। हमें अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पढ़ने को मिलता है, जब अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, सारी संपत्ति नष्ट की गई, सारे नौकर या तो भगा लिए गए या तो मार डाले गए,
अय्यूब के सारे बच्चे दबकर मर गए। वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहते हैं मैं नंगा ही अपनी माँ के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस लिया, धन्य है प्रभु का नाम। ऐसी परिस्थिति में भी अय्यूब ईश्वर की स्तुति करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है, यानी कठिन से कठिन परिस्थिति में अय्यूब प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, हम रोते जरूर हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन उन क्षणों में जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु की कृपाएं हमारे पर बरसती हैं। अय्यूब ने प्रभु की स्तुति की, नतीजा यह है कि अय्यूब को सब कुछ दुगना मिल गया, संपत्ति दुगनी, बच्चे दुगने, सब कुछ दुगना मिल गया। हमारे जीवन में भी यही होगा। हम पढ़ते हैं हबक्कूक के ग्रंथ के, नबी हबक्कूक के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 17 और 18 में, आपने कई बार इसको सुना है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। यानी सब कुछ नकारात्मक है, निराशा उत्पन्न करने वाला है, बैल नहीं, गाय नहीं, भेड़ बकरियां नहीं, फसल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ चौपट हो गया। हबक्कूक कहते हैं कि तब भी मैं अपने प्रभु में आनंद मनाऊंगा। एक पक्के और सच्चे विश्वासी की पहचान है। हमें स्तोत्र 37 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 4 में, स्तोत्र 37 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। चीजों में नहीं, उपलब्धियों में नहीं, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हमें प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 2 में, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। ये सीखिए हर समय, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब हमें प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, जब हमारे ऊपर लोग गालियों का बौछार करते हैं, जब हमें कई प्रकार की बाधाओं का अनुभव करना पड़ता है, हमारे शरीर में दुख आ जाती है, पीड़ाएं आ जाती है, उन सारे क्षणों में धन्यवाद देना। स्तोत्रकार कहता है मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करता रहेगा। हर समय प्रभु की स्तुति करना, चलते फिरते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय प्रभु की स्तुति करना, निरंतर प्रभु की स्तुति करना। और जिन आप में से जिनको अनोखी भाषा का वरदान प्राप्त है, अंदर ही अंदर अनोखी भाषा में स्तुति करते जाइए, बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर। बराबर प्रभु की स्तुति करते जाइए, गाड़ी चलाते समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। स्तुति की प्रार्थना की शक्ति का एक लाजवाब किस्सा हमें दानियल के ग्रंथ की अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। दानियल और उनके मित्र जो इसराइली थे, जो यहूदी थे, अब बाबुल में गुलाम की तरह जी रहे थे, लेकिन दानियल और उनके मित्रों को राजा ने अपने दरबार में रखा था, क्योंकि वे बुद्धिमान थे, ताकतवर थे। राजा नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और एक मैदान में रखा और आदेश दिया पूरे अपने देश में
जब साज बजेंगे आवाज तुम्हें सुनाई देगी तो सब लोग दंडवत करके उस मूर्ति का प्रणाम करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। दानियल के तीन मित्र शद्रक मेशक और अबेदनगो, इन्होंने कहा कि हम उस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़ और किसी की हम आराधना नहीं कर सकते हैं। ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा ने उनको बुलाया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन ठीक इसके विपरीत उन्होंने कहा कि महाराज आप जानिए कि एकमात्र जीवित ईश्वर है वो इसराइल का ईश्वर है, उसे छोड़कर और किसी की हम आराधना नहीं कर सकते। राजा क्रुद्ध हुआ और राजा ने भट्टी को और तेज कर दिया, उस भट्टी में तीनों को डलवा दिया। वचन कहता है कि जो लोग उनको डालने के लिए थे वे भस्म हो गए और राजा बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद राजा और सामंती लोग बैठे हुए थे। राजा ने पूछा लोगों से, हमने कितने लोगों को उस आग की भट्टी में डाला? उन्होंने कहा कि तीन जन को। ये मैं चौथा व्यक्ति किसे देख रहा हूं, चारों ओर आग की भट्टी में भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, और चौथा व्यक्ति एक स्वर्गदूत जैसा लगता है। और तीनों को भट्टी से बाहर लाया गया, उनके कपड़े तक में आग का कोई अंश भी नहीं दिखाई दिया, वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे, आजाद थे, स्वस्थ थे, सुरक्षित थे। वचन में हम पढ़ते हैं जब वे भट्टी में डाले गए तो वे जोरों से प्रभु की स्तुति करने लगे, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु ईश्वर की स्तुति करने लगे, इसराइल के ईश्वर की स्तुति करने लगे, चमत्कारी ईश्वर की स्तुति करते गए। और उस स्तुति के द्वारा देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उनके चारों ओर ठंडी हवा जैसे चली और वे पूरी तरह से आग में भी सुरक्षित रहे। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, जब हमारे जीवन में आग जैसी परिस्थितियां आएंगी, उन सारी परिस्थितियों में भी अगर हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं हृदय की गहराई से, तो हमें प्रभु के संरक्षण का अनुभव होगा, सुरक्षा का अनुभव होगा, प्रभु हमें बचाएंगे, हम सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। एक बहुत बड़े सुसमाचार के उद्घोषक हैं, वक्ता हैं, उनका नाम है रेनार्ड बोंके, ये मर चुके हैं, रहने वाले जर्मनी के, लेकिन अफ्रीका में काम कर रहे थे। और उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आते थे, ऐसा लगता था कि लोगों का समुंदर है, लाखों की संख्या में लोग आते थे। और उन्होंने स्वयं कहा कि वचन सुनाने के बाद लोगों से बताया जाता था कि अपनी तकलीफों को प्रभु के हाथ में समर्पित करो और इस समय खुलकर जोर से प्रभु की स्तुति करो। लंबे समय तक वे प्रभु की स्तुति करते जाते थे, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जब वे प्रभु के नाम की स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, स्तुति करते गए, लंबे समय तक स्तुति करते गए, उनके बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बहनें अपने परिवार के साथ एक जगह पर साधना के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि वहां पे डेढ़ डेढ़ घंटा स्तुति कराते थे, बहुत लंबी स्तुति कराते थे। स्तुति की प्रार्थना एक नई प्रार्थना है। संसार भर में लोग देवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, अन्य प्रार्थना भवनों में जाते हैं, क्या के लिए? मांगने के लिए जाते हैं। हमें मांगने की आदत है, लेकिन स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। संत पौलुस विश्वासियों को, मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं,
मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। पौलुस कहते हैं कि वो दुख सहते हैं, क्या के लिए दुख सहते हैं? पौलुस कहते हैं सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि मैं ये सारे दुख झेलता हूं ताकि धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। मसीहों के लिए एक नया नाम दे रहा पौलुस, वो क्या है? धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। हम विश्वासी और मसीही धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 19 और 20 में, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये मसीहों की जीवन शैली होनी चाहिए। पौलुस कहते हैं कि मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, एक साथ गाएं, मिलकर गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए, सिर्फ सुख के लिए नहीं, सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, सब कुछ के लिए धन्यवाद देना, एक एक बात के लिए धन्यवाद देना। अभी मुझे याद है एक बार राजस्थान में एक सभा चल रही थी। सभा में आराधना का समय था, सब लोग मिलकर स्तुति कर रहे थे, खुली जगह पर सभा थी, काफी बड़ी संख्या में लोग थे। मैंने देखा कि आराधना के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से नाचते हुए आगे की ओर आ रहा था। मैंने वॉलंटियर्स को भेजा उसको कंट्रोल करने के लिए, और वॉलंटियर्स ने उसको बैठा दिया सही जगह पे। मैंने बाद में वॉलंटियर्स से पूछा कि वो आदमी क्यों नाच रहा था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं उस आदमी के कमर पे 40 साल से एक बहुत बड़ी गिल्टी थी, बाहर तरफ टंगा हुआ था, 40 साल से काफी बड़ी गिल्टी थी, लेकिन जब एक साथ हम लोग स्तुति करने लगे और अचानक उसने महसूस किया कि कुछ हो रहा है, वो गिल्टी गायब हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी चंगाइयां उस समय होती हैं जब स्तुति होती है। जब हम स्तुति करते हैं, पूरी तरह से लीन हो जाते हैं प्रभु में, तो प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम मौका देते हैं। जब सारे संकोच को भूल कर, सारी शर्म को भूल कर हम लोग खुलकर स्तुति करते हैं, तो प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम मौका देते हैं। जिस तरह एक रोगी एक डॉक्टर के अधीन हो जाता है, जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है वो बेहोश हो जाता है, डॉक्टर के अधीन हो जाता है। अब उसके बाद डॉक्टर उसके उसके शरीर पर ऑपरेशन करता है, उसी तरह जब हम प्रभु की स्तुति में लीन हो जाते हैं लंबे समय तक, तब क्या हो जाता है? हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। कुछ लोग स्तुति करने को शर्माते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको शर्म लगती है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु क्या काम कर सकते हैं? हमें सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है, इसराइल का राजा दाऊद बड़ी खुशी के साथ जनता के साथ मंजूषा, मंजूषा क्या होता था? एक बक्सा जिसमें
ईश्वर की दी हुई 10 नियमों को अंकित किया गया था। 2 पाटियां थी पत्थर की, वो पाटियां रखी हुई थी। उस मंजूषा को यरूशलेम लेके आ रहे थे और राजा दाऊद, हालांकि वो इसराइल का राजा था, दासियों के साथ अन्य लोगों के साथ राज वस्त्र उतार कर एक आम आदमी की तरह नाच रहा था, प्रभु के लिए नाच रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था। और उसकी पत्नी ने, मिखाल ने दूर से देखा कि मेरा पति इसराइल का राजा दास दासियों के साथ मिलकर नाच रहा है। वचन में हम पढ़ते हैं, जब राजा दाऊद बड़े आनंद के साथ राज दरबार में आए, अपनी पत्नी से मिले, तो पत्नी ने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप दास दासियों के साथ नाच रहे थे? हम पढ़ते हैं 2 सैमुएल अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में, दाऊद ने कहा कि मैं अपने प्रभु के लिए इससे भी अशोभनीय कार्य करूंगा प्रभु की स्तुति में। अंत में, अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, वाक्य 23 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बाज रही। दाऊद की वो पत्नी जो साउल राजा की बेटी थी, वो अंत तक जीवन पर्यंत बाज रही। कभी कभी हमारे जीवन में भी यही होता है, हमें प्रभु की स्तुति करने में शर्म आती है, लज्जा होती है, संदेह होता है, हम प्रभु में लीन नहीं हो पाते हैं। नतीजा क्या है? हम भी सूखे रह जाते हैं। कई लोगों का अध्यात्म सूखा अध्यात्म है, रटी रटाई बातें हैं। इस्यास अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग तो मुझसे मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग रटी रटाई बातें बोलते हैं, उस प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं होती है, वे प्रार्थनाएं फलहीन होती हैं। जिस तरह दाऊद की पत्नी फलहीन रही, उसी तरह हम भी कभी कभी इसलिए फलहीन रहते हैं, हमारे जीवन में भी चमत्कार चिन्ह इत्यादि प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि हम खुलकर प्रभु की स्तुति करने, प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मिखल जिंदगी भर बाज रही, हमें बाजने रहना चाहिए। हमारे अध्यात्म को हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना चाहिए। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के 2 ग्रंथ के अध्याय 15 में। वहां पर यहूदियों पर आक्रमण किया जा रहा था, यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। यहूदियों का नेता यहूदा यहूदियों को दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया, उनको ईश्वर के विषय में, इसराइल के ईश्वर के विषय में समझाया, और उसने प्रार्थना की और वे लोग प्रभु की स्तुति और आराधना की। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 25 से 27 तक कि उनका दुश्मन निकानोर साज बजाते हुए, तुरही बजाते हुए अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूदा और उनके मित्र यहूदी लोग अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए लड़ रहे थे। वचन में लिखा हुआ है वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार ईश्वर के सामर्थ्य का उनका एहसास हुआ और उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। स्तुति की प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में मांगिए। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की स्तुति कीजिए। मांगिए और स्तुति कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और स्तुति में समय बिताइए। मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मुझे दुख देती हैं, उन परिस्थितियों में मैं क्या करता हूं?
मैं अपने कमरे में जाता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। तब तक स्तुति करता हूं जब तक कि वह दुखपूर्ण बात सुख में परिवर्तित ना हो, मेरी निराशा आशा में परिवर्तित ना हो, मेरी चिंता और डर विश्वास में परिवर्तित ना हो। स्तुति कीजिए, स्तुति करना सीखिए, हर परिस्थिति में, दुख में, पीड़ा में, हर स्तुति, हर परिस्थिति में स्तुति कीजिए। याद कीजिए दानियल के तीनों मित्रों को जो भट्टी में डाले गए थे, आग में डाले गए थे, लेकिन वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे और वे सुरक्षित बाहर आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन में हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए हमें सिखाइए। हमारे जीवन में कई बार कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो हमें डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। ऐसी परिस्थितियों को भी हम स्तुति के साथ सामना कर सकें। जब हमें दुख झेलना पड़ता है, पीड़ाएं झेलनी पड़ती, उन क्षणों में भी प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए हमें कृपा दीजिए। स्तुति की प्रार्थना की शक्ति के बारे में हमें आभास कराइए। स्तुति के द्वारा हमारे हर प्रकार के निराशापूर्ण भाव को परिवर्तित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है हमें भी बोलने की कृपा दीजिए, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। महिमा हो आराधना।
कितना महान है मधुस्मिता तेरा नाम। कितना महान है मधुस्मिता तेरा नाम। पूछा जाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। पूछा जाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना महिमा हो आराधना स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें, आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु ने स्वयं कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें, अपनी आंखें बंद रखें, विश्वास में अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलें। यह पवित्र समय है, यह आशीष का समय है। ये विश्वास करें कि इस समय आराधना के दौरान आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे बंधनों को खोलने जा रहे हैं। आपके हृदय में जो कपट है, छल है, जो क्रोध है, जो विद्वेष है, जो वासना है, जो अश्लील आदतों की आत्मा है, उन सब को प्रभु इस समय आपसे दूर करने वाले हैं। कि आप शराबी हैं, नशे के शिकार हैं, हृदय खोल कर इस समय प्रभु से प्रार्थना करना, बोलना प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। कि आपके परिवार में बहुत सारी विपदाएं हैं, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक रोग, यानी आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार का बंधन है, बाधा है। प्रभु से इस समय कहिए कि प्रभु उन सारी बातों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू मेरा मालिक है, तू मेरा प्रभु है,
तू सब कुछ को बदलेगा, मैं विश्वास करता हूं। समर्पित कीजिए समय। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने शरीर में जो पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, जो रोग हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे सानिध्य के लिए समय। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि तू समय मेरे भाई बहनों के करीब है। वे जहां कहीं भी समय बैठे हों, प्रभु तू उनके करीब है, मैं विश्वास करता हूं। उनको स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। मैं विश्वास करता हूं कि तू एक जीवित प्रभु है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपने आप के नन्न बालकों बालिकाओं की तरह बनाना, अपने आप को छोटा बनाना मेरे भाई और बहनों। नम्रता पूर्वक प्रभु की आराधना में इस समय लग जाइए। देयर इज नथिंग दैट द लॉर्ड कैन नॉट चेंज। कोई बात नहीं है जो प्रभु बदल नहीं सकते हैं। सब कुछ प्रभु बदल सकते हैं। सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके परिवार की परिस्थिति को, घर की तंगी को, गरीबी को, लाचारी को, बेरोजगारी को, सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके करीब हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हम तेरी स्तुति करते हैं जीवन के वरदान के लिए। हम तेरी स्तुति करते हैं। तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रेमी पिता, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं। तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने हर मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने हर मानव को प्रेम किया। हम तेरी स्तुति करते हैं। तू किसी मानव का विनाश नहीं चाहता। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी कमजोरियों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे कष्टों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे रोगों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब असफलताओं के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद। सब अपमान के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए, पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे संग संग चलने के लिए, हमारे संग संग चलने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे संकटों में, हमारे संकटों हमें साथ देने के लिए, हमें साथ देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी दुर्बलताओं को, हमारी दुर्बलताओं अपने ऊपर उठाने के लिए, अपने ऊपर उठाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें हर बंधन से, हमें हर बंधन से आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद। हमें शांति प्रदान करने के लिए, हमें शांति प्रदान करने के हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु, आराधना अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु, आराधना तुझे अखिलेश्वर।
अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। करने प्रभु तेरी आराधना, वेदी के सामने आए हम सब करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 कर, दिल में तेरे लिए दीप जलाकर जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर करते हैं तेरा प्रभु खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी एक प्रकार के चक्रव्यूह में जीवन जीते हैं। हम निराश हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम दुखी हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है। हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। जब हम प्रभु की स्तुति करने लगेंगे हमारे दुख के लिए, हमारी पीड़ाओं के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कितनी आशा आ जाती है। सब कुछ बदल जाता है, बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाता है और हमें एक मार्ग देखने को मिलता है। स्तुति की प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। जैसे हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर की जो नकारात्मकता वो मिट जाती है। जब नकारात्मकता मिट जाती है, हमारे अंदर विश्वास जगने लगता है। जब विश्वास जगने लगता है, हमारे अंदर चमत्कार और चिन्ह देखने को मिलते हैं। कई लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं
मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। मैं एक बेटी को जानता हूं, करीब 23-24 साल की है, कॉलेज में पढ़ रही है, पढ़ने में बहुत तेज है, कॉलेज में कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं, सारे टीचर लोग, सारे अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं, हर काम में आगे रहती हैं, लेकिन उसकी एक आंख खराब है। उस एक आंख खराब होने के कारण वो लड़की बार बार ईश्वर को कोसती है, प्रार्थना नहीं करती है, गुस्से में रहती है, अपने मां बाप से भी गुस्से में रहती है। मैं सोचता हूं काश वो बेटी उस दुर्बलता को स्वीकार करती और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करती। वो सोचती कि प्रभु इस दुनिया में कितने अंधे बच्चे हैं, लेकिन मेरी एक आंख है। काश वो सोचती कि प्रभु इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनकी आंखें हैं, लेकिन उतनी बुद्धि उनके अंदर नहीं जितना मेरे अंदर बुद्धि है। मेरे कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं जिनकी आंखें हैं, लेकिन उनके अंदर उतनी प्रतिभाएं नहीं हैं जो मेरे अंदर है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपनी कमियों को ही उजागर करते हैं, कमियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए अन्य वरदानों के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे वरदान ईश्वर ने हमें दिए हैं, उसके बारे में अगर हम सोचते, अरे भाई तेरे हाथ हैं, तेरे पैर हैं, तेरी आंखें हैं, तू बोल सकता है, तू सुन सकता है, रहने के लिए तेरे लिए एक छत है, तेरे माँ बाप हैं, इस तरह आप गिनने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु के कितने वरदान हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम एक छोटी कमी और दुर्बलता को पकड़कर उसी के बारे में सोच सोच कर अपने आप को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। काश हम उस दुर्बलता को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाते तो हमारे जीवन में क्या क्या नहीं होता। मैं केरल में एक जगह पे एक बहुत बड़े कन्वेंशन में गया हुआ था, सभा में गया हुआ था, और मुझे एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर पे रखा गया था। उसके पिताजी उस इलाके के सबसे पहले सांसद थे, बहुत धनी व्यक्ति, वहां काम करने वाले बहुत सारे नौकर चाकर। लेकिन उस धनी व्यक्ति का एक पैर, उस पैर से वो ढंग से नहीं चल पाते हैं, इसीलिए वो सहारे से चलते हैं। लेकिन उसकी एक अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। एक छोटी सी कमी के लिए हम ईश्वर को कोसते हैं, हम सभी सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें कितनी सारी कृपाएं दी हैं। आप मंदबुद्धि नहीं है, आप मानसिक रोगी नहीं है। हमें अपने जीवन के एक एक वरदान के लिए, प्रभु के दिए हुए एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए, तब हमारा जीवन सकारात्मक जीवन होगा, हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। इस एक छोटी दुर्बलता के लिए हम ईश्वर को कोसते हैं, सबको कोसते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जो कृपाएं बरसनी चाहिए उन सारी कृपाओं को हम रोक रखें। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, स्तुति की प्रार्थना को बढ़ाइए और सबसे ज्यादा अपनी दुर्बलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने रोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने शरीर और मन हृदय की दुर्बलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देने दीजिए, देना शुरू कीजिए, प्रलोभनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। प्रलोभनों के द्वारा आपको प्रभु ये बताते हैं कि तू इंसान है, तू मनुष्य है, धन्यवाद देना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपने जीवन के लिए, जीवन के एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। कितने वरदान है आप गिन गिन कर थक जाएंगे, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, यीशु की आत्मा दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया, यानी कोई भी रोग प्रभु की शक्ति के परे नहीं है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने रोगों को, हो सकता है कैंसर का रोग हो, हृदय रोग हो, किडनी के रोग हो, पता नहीं क्या क्या रोग हैं, एक एक रोगों को इस समय प्रभु की याद में समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हों, घुटने टेके हों या लेटे हों, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु के स्पर्श को अनुभव करते हुए मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। आइए मेरे भाई और बहनों, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम भी प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। पैर में दर्द से पीड़ित कई भाई बहनों को प्रभु यीशु आज इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पैर में दर्द, कई दिन पुराना दर्द है, गुर्दे के रोग से, किडनी के रोग से कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना कि आप गुर्दे के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि ये चंगाई मेरे लिए है। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लोगों को बताइए। कान में बराबर कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जैसा कि कोई चिड़िया आपके कान के पास अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। ऐसी आवाज सुनने वाले कई लोग हैं, प्रभु यीशु इस समय उनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर रहे हैं। आपके कान सही हैं। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो ध्यान लगाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाते हैं, उनको प्रभु आज स्तुति का वरदान दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सूचनाएं सुन लें। पहली सूचना है मतदान आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका। प्रभु ने कहा आप हमारे फेसबुक में पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें। दूसरी सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से पिछले सप्ताह में एक नई किताब निकली है, घर को स्वर्ग बनाएं। अक्सर अपनी किताबों के लिए मैं कभी भी प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन इसके लिए प्रचार करना चाहता हूं, क्योंकि कई परिवारों में कई समस्याएं हैं, उसका समाधान और आपके सवालों का जवाब उस किताब में आपको मिलेगा। तो ज़रूर आप खरीदें, आप खरीदने का मार्ग ढूंढें, और किताब का नाम है घर को स्वर्ग बनाएं, छोटी सी किताब है। आश्रम से प्रसारित रेडियो अभी भी चल रहा है, रेडियो मातृधाम रेडियो, अगर अभी तक आपने उसको चलाया नहीं है तो आप उसका ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको जरूर सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवकों के लिए, युवतियों के लिए कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। इन कार्यक्रमों में जो आपको लगता है कि आपके लायक हैं, उसको जरूर उसमें भाग लें, आशीष पाएं। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के लिए बंधनों से आजादी और रोगों से मुक्ति मिले, प्रार्थना कीजिए।
स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा, धन्यवाद यीशु तेरी आराधना तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तुझको